बॉलीवुड के क्यूटेस्ट और मशहूर कपिल जेनेलिया और रितेश देशमुख की मराठी फिल्म वेद इन दिनों थिएटर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। बॉक्स ऑफिस पर वेद की जबरदस्त कमाई का सिलसिला है। एक बार फिर जेनेलिया और रितेश की लव स्टोरी पब्लिक को खूब पसंद आ रही है। हाल ही में इस कपल ने इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर बात की, देखिए वीडियो। मैम, आपने जिस भी इंडस्ट्री में काम किया, काफी हिटेड मूवी थी, पहली मूवी काफी हिट रही आपकी हर इंडस्ट्री में, और अब वेड, तो कैसा था ये, कुछ इसके पीछे रीजन या? नहीं नहीं कुछ रीज़न नहीं है एक्चुअली। ये जो है आई थिंक कि इट्स दी ऑडियंस, और ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया, ऑडियंस ने ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट है शायद, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है आई थिंक इट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे आई गेट दिस काइंड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू बी इन सिक्स इंडस्ट्रीज। रितेश देशमुख ने भी यहाँ तुझे मेरी कसम और वेद में किस तरह की सिमिलैरिटी है इसको लेकर बात की। सिमिलैरिटी और डिफरेंस, मुझे तो क्लाइमैक्स, तुझे मेरी कसम के क्लाइमैक्स में, दोनों के क्लाइमैक्स रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तुझे मेरी दोनों के क्लाइमैक्सेस रेलवे स्टेशन पर होते हैं, और तुझे मेरी कसम के क्लाइमैक्स में जिनीलिया मुझे स्टेशन पर छोड़ने आती है, और वेद में मैं इनको स्टेशन पर छोड़ने आता हूँ। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए मराठी फिल्म वेद के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन की जानकारी दी है। मराठी फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने सोमवार को ही 3 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया। बता दें कि मराठी फिल्म वेद साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और समंथा प्रभु की सुपरहिट फिल्म माजली की रिमेक है।